रोहिल्ला, बांग्लादेशी और बाहर के अनगिनत जो अपराधी रिकॉर्ड इनका अगर जांच करेंगे तो वो लोग यहाँ पाए जाएंगे, ये मेरा कहना है। इसकी जांच होनी चाहिए। हवामहल विधानसभा में संपूर्ण जयपुर में सबसे अधिक एक विशेष समुदाय के मतदाता हैं, और आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें तो तेज गति से इसमें बढ़ोतरी हुई है। उसका हमने समीक्षा की, पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में सबसे अधिक हुआ, और धीरे धीरे ये पलायन क्यों हुआ और ये लोग कौन है जो यहाँ पर एक साथ अचानक आ गए। तो मैंने स्वयं ने अपनी तरफ से, जब मैं भाजपा का कैंडिडेट नहीं भी था, भाजपा की ओर से विधायक तय भी नहीं था, तो मैंने अपनी ओर से ये एक अभियान चलाया था किस प्रकार से बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो और सबको रहने का अधिकार है, लेकिन ये देखने की आवश्यकता है कि एक तो किराएदार वेरिफिकेशन हो, किराएदार वेरिफिकेशन होगा तो ये तय हो जाएगा कि कौन लोग कहां से आए हैं और इतनी तेज गति से जयपुर में आकर क्यों बस रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई अपराधी किस्म के लोग जयपुर में ये आकर और अपना जगह चुन रहे हैं, क्योंकि ये सुरक्षित है और ये सुरक्षित स्थान, शांत स्थान को कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग अशांत करने की नीयत से आ रहे हैं। तो मेरी पूर्व से मांग थी कि यहाँ जांच की जाए, रोहिल्ला, बांग्लादेशी और बाहर के अनगिनत जो अपराधी रिकॉर्ड इनका अगर जांच करेंगे तो वो लोग यहाँ पाए जाएंगे, ये मेरा कहना है। इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार मेरी है, मैंने सरकार आने से पूर्व मांग की थी और अब सरकार आने से मैंने पत्र मंत्रालय को लिख दिया है और जल्दी इस पर शुरुआत भी होगी, क्योंकि यहाँ का माहौल खराब ना हो, यहाँ का भाईचारा, यहाँ का सौहार्द बना रहे और जयपुर का जो पूर्व रहने वाले जो लोग हैं जिस प्रकार से प्रेम प्यार भाईचारे से रहते थे वो हमेशा उसी प्रकार से रहते रहें, और यहाँ का बहुसंख्यक समाज क्या ऐसी आफत आई कि उनको छोड़ के भागना पड़ा, तेज गति से जाना पड़ा। तो उसमें कमियाँ जो पिछली सरकार में समय थी वो ये थी कि उपद्रवी लोग कॉलोनियों में आना, हल्ला हुल्ला करना, माता बहनों को आने जाने लोगों को परेशान करना, अवैध रूप से नॉन वेज के कारखाने, फैक्ट्री घर घर में, हर गली मोहल्ले में चौहर खुलना, खुले में जीवत्या होना, वहाँ पर 10-20-50 कुत्तों का जमावड़ा रहना जिसकी वजह से आने जाने वालों को परेशानी उत्पन्न होना, और भी कई ऐसी गतिविधियाँ या ऐसा माहौल था जिस वजह से यहाँ सनातनी लोग रहने के में खुश नहीं था और तेज गति से यहाँ पर जाना चाह रहा था। कुछ जगह भय का माहौल बनाया हुआ था, डर का माहौल बनाया हुआ था, घरों के बाहर कुछ अवशेष फेंक देना, छतों पर फेंक देना और माहौल इस प्रकार का कर देना कि वो भय के साए में रह ना पाए और वो अपना आधी अधूरी कीमत जो मिले सो देकर चला जाए। लेकिन हमने 5 महीने में बहुत कुछ नियंत्रण कर दिया और लोगों के बीच जाकर उन्हें मजबूती दी है कि हम आपके साथ हैं, पूरा परिवार, पूरी भाजपा सरकार साथ है, आप लोग अपना भवन परिवर्तन करके न जावें, शहर बड़ा सुंदर है, शहर में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, आने वाले समय में यहाँ रोजगार, पर्यटन, व्यापार इत्यादि सब बढ़ने वाले हैं, सुख सुविधाओं की जो कमी थी वो पूर्ति होने वाली है, पानी इत्यादि की जो समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थी, सड़कों का हाल खराब था, तारों का जाल फैला पड़ा था, नालों की सफाइयाँ हो नहीं रही थी, वो 5 साल में जिस प्रकार से शहर का माहौल बना दिया गया था उससे भी लोगों को परेशानियाँ थी, उन सब में हमने लगभग ये माने कि काफ़ी कुछ परिवर्तन कर दिया है, कुछ परिवर्तन होना बाकी है, वो हो जाएगा। तो अब जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उनके बीच हम जा रहे हैं, क्षेत्रीय थाना अधिकारियों को साथ लेकर हम लोग उनके साथ बैठते हैं, कहीं कोई छुटपुट शिकायत आती है तो उस बीच हम लोग जाकर उनकी मदद करते हैं ताकि वो भय से न जावे, वो अपनी इच्छा से छोड़ना ही चाहता है, जाना ही चाहता है, तो हम उसको कैसे रोकेंगे, लेकिन भय के माहौल में वो यहाँ से परिवर्तन न करे उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।